वेलकम बैक नाजीन। कुछ बात कर लेते हैं फजाई आलूदगी के हवाले से, और खास तौर पर शहर कायद की जो फजाई आलूदगी है उसको आज सुबह 10 बजकर पाकिस्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब नोट किया गया तो कराची का नंबर था पहला, यानी कि आज कराची की जो फजा है वो सबसे ज्यादा आलूदा थी। इस पर लोगों के क्या तासुरात हैं, लोगों का क्या कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर और बेशतर जो है ना, जो सांस की बीमारियाँ हैं, सीने की मतलब एलर्जी, वो ज़्यादातर जो है ना डस्ट और इस तरह की चीज़ों से मतलब वो होती है। और अगर इस चीज़ें के ऊपर मतलब कुछ काबू पा लिया जाए तो मेरे ख्याल में सांस की बीमारियां कम हो सकती है। सर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह इस वक्त जो आजकल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ग्रीन इन्वायरमेंट की बात की जा रही है और ट्रीज वगैरह जो प्लांट करने की बात की जा रही है, उसे इसीलिए कि ये पोल्यूशन किसी तरीके से कम की जाए। हमारे यहाँ सिटी गवर्नमेंट वगैरह है, इन लोगों को एटलीस्ट एक्शन लेने चाहिए कि जो हमारे यहाँ एटलीस्ट सफाई का निज़ाम है, क्योंकि इस वक्त ठीक है पॉल्यूशन एक अपनी जगह एक इशू है, लेकिन हमारे यहाँ रोड्स की क्लीनिंग नहीं होती, डस्ट का इतना बड़ा इशू है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होकर एक अजीब इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। आपने जाना कि लोगों का क्या कहना है, कहीं सांस की बीमारियां जन्म ले रही हैं फजाई आलूदगी की वजह से, कहीं पर स्किन डिजीजेज जो है वो जन्म लेते नजर आ रहे हैं। और आज इस सेगमेंट के अंदर फजाई आलूदगी से रिलेटेड जो है वो डिस्कशन होगा, और साथ साथ जो माहिर सेहत है उनसे भी पूछा जाएगा ये बीमारियां जन्म ले रही हैं, इसके तासुरात फजाई आलूदगी के वो क्या है। बहरहाल हमें इस वक्त साबिक डायरेक्टर EPA ज्वाइन कर चुके हैं, आसिफ शुजा साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले जानना चाहूंगा मैं आपको, एक बार फिर बता दूं, पाकिस्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स को आज जब सुबह 10 बजे नोट किया गया तो कराची नंबर 1 पर जो है वो देखा गया फजाई आलूदगी में, और दुनिया भर की अगर बात की जाए तो 2nd नंबर कराची का नोट किया गया। फजाई आलूदगी अगर नोट की गई है इस हद तक खतरनाक हो चुकी है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले ज़रा क्लेरिफाई कर दूं, मैं साहब का डायरेक्टर जनरल हूं पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का। ये कराची का जो पोल्यूशन का मैटर है ये काफ़ी हमारे भी अंडर स्टडी रहा, और इस वक्त भी मैं देख रहा था कि इसमें काफ़ी हाई पर्टिकुलेट मैटर्स हैं फिजा में। जो 2.5 माइक्रॉन बहुत छोटे बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो इस वक्त आपके 192 के रेंज में जा रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड जो हमारे एम्बिएंट एयर क्वालिटी है वो 35 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 6 गुना इस वक्त फिजा में पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा हैं। तो जब पार्टिकुलेट मैटर्स ज़्यादा आते हैं फिजा में, या कोई और गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है या नॉक्स हैं, ये ज़्यादातर जो है वो ट्रैफिक की वजह से और इंडस्ट्री की वजह से होता है। तो उसकी वजह से अगर विंड वेलोसिटी जो है कराची में कम हो जाए, जो इस वक्त जीरो है, अभी जो करंट चल रही है वो जीरो है, तो वहाँ पे स्टे करता है, एयर फ्लश नहीं होती कराची से, ठीक है, उसकी वजह से ये इफेक्ट बढ़ जाता है। तो अब बात ये है कि ये क्यों, अगर नहीं एयर वेलोसिटी ज़्यादा तो इतनी पोल्यूशन तो नहीं होनी चाहिए, तो हमारे सोर्सेज को भी देखना होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कराची में जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। 9.8 मिलियन पॉपुलेशन थी 2000 में, यानी 98 लाख, ठीक है, इस वक्त आपकी पॉपुलेशन 1,68,00,000 है। ये सिर्फ 22 साल में ग्रोथ आपकी ये हो रही है। तो इसके साथ ही गाड़ियों की तादाद में भी साफ़ इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ती है। अब गाड़ियों को आप देखिए, अगर ये जो डेटा मैं देख रहा था कि 2004 में 1.5 मिलियन नंबर ऑफ व्हीकल्स थी, यानी 15 लाख सिर्फ जी, जो बढ़ के 33 लाख हो गई हैं। अब इसमें इतना बड़ा ग्रोथ आना, और शहर तो वही है कराची में, तो लैंड का भी वो है कि इतनी आबादी जो है वो नहीं होती, तो कंसंट्रेशन बढ़ती है गाड़ियों के भी और लोगों के भी, तो उससे उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। तो हमें जो हमारे इदारे हैं इनको मॉनिटर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कराची में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बहुत पुअर है,
और जो मेथडोलॉजी इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही है जो अमेरिकन एम्बेसीज में लगी हुई है या कुछ हैं वो छोटे यूनिट लगाए हुए हैं उन्होंने। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें मॉनिटरिंग के यूनिट लगाएं और ये देखें कि वजह क्या है, क्यों हमारे पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, फिजा में क्या आशीष शुजा साहब ये भी जानना चाहूंगा, अब मौसम सर्द होने जा रहा है और खासतौर पर कराची के हवाले से प्रेडिक्शन ये भी की है मेट्रोलॉजिस्ट ने कि ये भी हो सकता है कि इस बार सर्दियां ज्यादा तवील हो जाएं और मौसम ज्यादा सर्द भी हो सकता है, इस सर्द मौसम के अंदर और ये आलूदा फजा किस हद तक जो है वो बढ़ सकती है? ये तो काफी ज्यादा नवंबर दिसंबर टिल जनवरी जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो बहुत ही खराब होती है। हमने एक दफा कराची पूरा देखा था कि इस्लामाबाद हालांकि माना जाता है कि अच्छी क्वालिटी है उसमें भी 365 दिनों में सिर्फ 110 दिन है जो हमें एयर क्वालिटी WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक या नेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे मिलती है, अदरवाइज एयर क्वालिटी हमेशा एक लेवल से ऊपर जाती है। तो जब हवा डेंस हो जाती है टेम्परेचर लो होने की वजह से और कराची में तो आपको पता है मॉइस्चर भी ज्यादा होती है, इस वक्त 77 मॉइस्चर है आपकी, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, आपके जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उसमें से धुआं निकल रहा है, गार्बेज को जलाया जा रहा है या डंप करते हैं तो उसकी वजह से गैसेस निकलती हैं, तो ये सारी एक्युमुलेट होके और वेलोसिटी होती नहीं है तो उसका नतीजा निकलता है कि वो आपके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमें करना ये पड़ेगा कि आप इनकी एक तो जो मैंने बात की है कि इसका डेटा बहुत जरूरी है कि फिजा में जो जर्रात हैं ये किस वजह से हैं, क्या इंडस्ट्री की वजह से है, गाड़ियों की वजह से है, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो 40-60% वजह गाड़ियों की होती है, तो पुराने जो गाड़ियां हैं डीजल व्हीकल्स हैं उनको अब बंद होना चाहिए। अब तो माशाल्लाह कराची में बड़ी हम देख रहे हैं टीवी पे रोज दिखाते हैं कि नई नई बसें आ रही हैं, तो अब इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी जो है ना वो रिवैम्प करें और ये इनकी चेकिंग का जो है सिस्टम वो हमें सर्दियों में बहुत ज्यादा, ठीक है। आशीष शुजा साहब ये भी बताइएगा, हमने ये नोट किया गुज़िश्ता सालों के अंदर चीन के अंदर स्मॉग की टर्मिनोलॉजी जो है इस्तेमाल की गई, फॉग और स्मोक को मिलाकर ये सर्दियों के अंदर जो स्मोक होता है, फिर हमने लाहौर के अंदर भी इसको जो है वो गुज़िश्ता सालों के अंदर नोट किया, क्या इस बार इतनी जो फजाई आलूदगी है कराची नंबर वन पर नोट किया गया आज, तो स्मोक की जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं कराची में भी नोट करेंगे हम सर्दियों में? जी बिल्कुल, इस तरह से है कि ये जो नॉर्थ सर्दियों में नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हवा आती है ना तो उधर क्योंकि बर्फ है ऊपर और वहां से बहुत ठंडी हवाएं आती हैं, जैसे लाहौर का एरिया है पंजाब का सारा कि यहाँ पे पानी भी नीचे खेतों को लगा होता है उन दिनों में, तो उसकी वजह से जो है मॉइस्चर मिलती है तो बहुत ज्यादा फॉग कट्टी होती है, तो फिर फॉग जब आ जाती है और हवा की स्पीड कम होती है जैसे मैंने अभी कहा आपका कराची का इस वक्त जीरो है, तो उसकी वजह से फिर जो वहां पे स्टे करती है पोल्यूशन जो नीचे पैदा हो रही होती है पोल्यूशन वो फ्लश आउट नहीं होती तो वहां पे बढ़ती जाती है, तो इन दिनों में फिर आपको कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है कि जी आप वो एक्टिविटीज कम कर दें जिसकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन फैलती है, मसलन गैर मुल्कों में भी ये प्रॉब्लम है और वहां पे गाड़ियों को जैसे इवन नंबर की गाड़ियां जो उसको एक दिन बंद कर देते हैं, ऑड नंबर की गाड़ियां एक दिन बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से जो है वो काफी फर्क पड़ जाता है। इसी तरह इंडस्ट्री में भी अवेयरनेस हो कि इसको देखें जब कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है ज्यादा इमिशन, क्योंकि आपके देखिए कराची में कोल पावर प्लांट्स हैं, कोल पावर प्लांट्स जो हैं वो अब उनको काफी एनकरेज किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में शॉर्टेज है एनर्जी की, तो इसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ेगी, लेकिन ये है कि इलाज इसका टेक्नोलॉजी है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को लें इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करें, तो कोल का इस्तेमाल जो है उसको बड़ी एहतियात से करना पड़ेगा। आपने देखा है कि किस तरह से चाइना हमारे पड़ोस मुल्क इंडिया में जहां पे कोल जो है 40% कोल पे इनसार है वहां पे इतनी ज्यादा पोल्यूशन होती है और वो पोल्यूशन जो है फिर वो ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट के थ्रू वो दूसरे मुल्कों में भी जाती है, ठीक है। तो कराची भी जो है वो भी हिट होता है ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन से,
आपके जो कराची के पड़ोस में ममालिक हैं वहां से पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं इस तरफ, जब वेस्टर्ली विंड चलती है और इस तरह से डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं और वो बहुत बढ़ते हैं। तो ये पूरे जियोग्राफी भी इसमें काउंट करती है और इसमें हमारे जो सोर्सेज हैं उसका बड़ा दखल है। बिल्कुल, बेहतर से बेहतर इकदाम उठाने की भी जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया साबिक डीजी पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी आसिफ शुजा हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इस फजाई आलूदगी की वजह से जो बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसमें सांस की बीमारी है और जल्दी अमराज हैं या फिर आँखों की जो बीमारियाँ हैं, उन तमाम बीमारियों के जो है उसमें रेशो में कित हद तक इजाफा हुआ है और जिस तरह से फजाई आलूदगी बद से बदतर होती चली जा रही है, इसमें जो बीमारियां जन्म ले रही हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को भी मलूज़ खातिर रखना इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि फ़जा आलूदा है और फिर जो सड़कों के ऊपर ट्रैवल करते हैं, ख़ासतौर पर मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल करते हैं या जो बसेज़ हैं हमारी इस वक्त जो हालत है उन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उसमें ट्रैवल करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों में जब ट्रैवलिंग होती है तो किस हद तक ये जो फ़जाई आलूदगी असरअंदाज होती है इंसानी जिस्मों पर, इन तमाम चीज़ों को भी जो है वो ज़रूर इस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। माहिर सेहत हमारे साथ मौजूद हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अतर सिद्दीकी साहब। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फजाई आलूदगी से रिलेटेड जो है वो आज डिस्कशन हो रहा है और कराची फजाई आलूदगी में आज नंबर वन पे नोट किया गया पाकिस्तान के अंदर और सेकंड नंबर इसका नोट किया गया दुनिया भर में शहरों को अगर इंडेक्स रखा जाए सामने। फजाई आलूदगी से कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं उनका भी तस्करा स्टार्टिंग में कीजिएगा और फिर उनसे कैसे बचा जा सकता है वो भी आपसे जानेंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब जी, मैं सवाल रिपीट कर देता हूं, ये फजाई आलूदगी से कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं? देखिए फजाई आलूदगी जिसका एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल कंडीशंस कहते हैं, उसमें हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि फिजा में हमारे क्या क्या चीजें मुअल्लक हैं। एक तो धुआं है गाड़ियों का, दूसरे ये मिट्टी धूल है, ये सबसे ज्यादा चीजें हैं और यही चीज़ें और शहरों के अंदर, बाकी गांव के अंदर फिजाई आलूदगी दो के कम है, लेकिन अभी चावल की फसल कच्ची है तो धान है उसका जो भूसा है उसको जलाया जा रहा है तो उससे पूरे पाकिस्तान में लाहौर में और दूसरे शहरों में जो है ना फिजाई आलूदगी में इजाफा हो गया जिसको स्मॉग कहते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम कराची का जिक्र करें तो उसमें यह है कि गाड़ियों का धुआं जो है ना वो सबसे ज्यादा है, जिससे जो है ना आंखों में भी जलन पैदा होती है, नाक में सोजिश होती है, नजला होता है, फेफड़ों के अंदर जो है लंग्स के अंदर इसका असरात आते हैं जिसकी वजह से खांसी नजला और फेफड़ों की हवा की नालियां सुखड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से 15 साल पहले कराची के अंदर एक ये फिजाई आलूदगी के मुतालिक जो है ना एक रिसर्च हुई थी। रिसर्च के अंदर जितने भी कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं ट्रैफिक से जो सबसे ज्यादा बिजी मतलब सड़कें या चौक है जहाँ पे वो ट्रैफिक कॉन्स्टेबल अपनी ड्यूटी देते हैं, तो उनकी ड्यूटी का दौरान ही 8 से 10 घंटे होता है और इस दौरान में वो सबसे ज्यादा धुआं जो है ना उसको मतलब वो पीते थे बेचारे। तो फिर उसका रिसर्च के अंदर जो है ना उसके खून में और उसके जिस्म में जो है ना लेड की था उसकी जो है ना मिकदार जो है ना नापी गई, क्योंकि उस जमाने में जो था ये फ्यूल जितना भी था चाहे वो डीजल है पेट्रोल है उसमें जो है लेड की अच्छी खासी मिकदार जो लेड पॉइजनिंग जो है ना उनको होनी शुरू हो गई थी, जिससे दिमागी असरात भी हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया, दिमाग में लेड आ गया, खून में भी रहने लगा। उसका एक अच्छा फायदा ये हुआ उस स्टडी का कि जितने भी हमारे यहाँ फ्यूल्स हैं वो फिर लेड फ्री हो गए। अब आप जहाँ भी जाएंगे पेट्रोल पंप पे तो लेड फ्री जो है ना लिखा हुआ होता है, तो उससे एक हद तक तो कम हो गया है, लेकिन ये मौसम जैसे बदला है तो इसके अंदर जो है ह्यूमिडिटी भी है थोड़ी बहुत, तो जो भी पार्टिकल है उड़ती है मिट्टी उड़ती है या धुआं गाड़ी का है वो बहुत देर तक हवा में मुअल्लक रहता है, देर तक मुअल्लक रहता है तो हम जब उस धुएं में से गुजरते हैं तो वो सब हमारे नाक और मुंह के अंदर जाता है और असरात जो है ना पैदा होते हैं। ठीक है, एनर्जी सबसे बड़ा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूंगा शॉर्टली कि इनसे बचा कैसे जा सकता है? देखिए जी, ये जितनी भी एनवायरमेंटल से बचना तो बहुत ही मुश्किल है, ज्यादा ये कर सकते हैं कि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं
और वैसे भी है तो मास्क तो इस्तेमाल आदत पड़ चुकी है, कोरोना ने हमें मास्क की आदत तो डाल दी है, लेकिन डबल मास्क पहने, हेलमेट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, गाड़ी में जा रहे हैं तो उसकी सीट से ऊपर रखें ताकि कम से कम धुआं जो है वो मतलब उसमें जिसम में दाखिल ना हो सके मिट्टी जहाँ पे है। और इसमें KMC और जो बलदियाती इदारे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। कल मैं शेरशाह की तरफ प्लियाटी की तरफ के काम के सिलसिले अस्पताल में गया था तो वहाँ पे इतनी सड़कों के ऊपर की धूल थी कि मतलब 2 फुट से आगे नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोग जो है ना किस तरह से गुजारते हैं। और शहर के दूसरे हिस्सों में भी मिट्टी धूल बहुत ज्यादा है, सड़कों की सफाई का इंतजाम सही नहीं है जिससे ये फिजाई आलूगी मजीद बढ़ रही है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके इस तजिए का। और डॉक्टर इम्तियाज़ अतर सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सेहत, और उनकी माहिराना राय आपने जानी कि जो बीमारियां जन्म लेती हैं उनसे बचने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए। बहरहाल एक वक्फा लेंगे और उसके बाद बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को हवा में उड़ा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो शीशा कैफेज़ हैं वो बैन कर दिए जाएँ, लेकिन वो फिर भी हम देखते हैं शहर कराची के अंदर चलते नज़र आते हैं, किसकी ईमा पर, डिस्कस करेंगे वक्फे के बाद। We'll be right back.